इस मॉड्यूल में हम क्लास एरिकेडा के ट्रेकियल सिस्टम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे गैस एक्सचेंज जो है एयर के साथ नॉर्मली दिस रिक्वायर्स अ लार्ज सरफेस एरिया लार्ज सरफेस एरिया क्यों रिक्वायर होता है क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है उसके ज़रिए गैसेस की एक्सचेंज होना होती है और उसके लिए लार्ज सरफेस एरिया होना मस्ट है अब टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर these surfaces are avenues for water loss also ab respiratory water loss insects ke andar jo hai ya kuch arachnids ke andar jo hai that is normally reduced as compared to that of the other arthropods ab reduced kyu hai अब reduced इसलिए है कि arthropods जो हैं वो terrestrial environment पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा access जो है वो water की नहीं है उसके लिए क्या है कि इसकी रेस्पिरेटरी सरफेस जो है दे आर इनवेजिनेटेड टू फॉर्म हाईली ब्रांच सिस्टम्स ऑफ काइटन लाइट ट्यूब्स जिसको हम कहेंगे ट्रेकिया अब ट्रेकिया जो है दिस ओपन्स आउटसाइड द बॉडी थ्रू द ओपनिंग्स दिज ओपनिंग्स आर नोन एज स्पायरेरिकल्स अब स्पायरेकल्स जो हैं उस आप समझ लें इस तरह से स्ट्रक्चर है लेकिन इसके साथ जो है क्लोजर के लिए ओपनिंग के लिए एक डिवाइस भी अटैच है ये डिवाइस जो है बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर को प्रिवेंट होने से बचाती है अब स्पायरिकल्स जो हैं अल्टीमेटली दे लीड टू ट्रेकियल ट्रंक ट्रेकियल ट्रंक में जाके फर्दर जो है ट्रेकिया की स्मॉलर ब्रांचिज होंगी उन ब्रांचिज को हम कहेंगे ट्रेकियोल्स अब ट्रेकियोल्स जो हैं दे एंड इंट्रा सेलुलरली एंड आर इस्पेसली इनकी तादाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी जहाँ के मेटाबॉलिकली हाई एरियाज हैं या जहाँ पे टिश्यूज के अंदर मेटाबॉलिज्म का रेट हाई है वो कौन से हैं बॉडी में फ्लाइट मसल्स क्योंकि फ्लाइट मसल्स जो हैं इनके अंदर मेटाबॉलिज्म एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स ज़्यादा है कोई सेल्स जो हैं दे आर नाट मोर दैन टू आर थ्री माइक्रोमीटर फ्राम द्रेक्योल अब ज़्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म है उस वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म से एयर बॉडी के अंदर भी एंटर होगी और एयर बॉडी से बाहर भी जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लाइट मसल्स को जब कंट्रैक्ट करते हैं तो अल्टरनेटली वो कंप्रेस भी करेंगे एंड दे एक्सपेंड द लार्ज ट्रेकियल ट्रंक्स एंड जब एक्सपेंड हो जाएगा तो उससे ट्रेकिया जो है उसकी वेंटिलेशन ज़्यादा होगी कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनेट आयंस की शक्ल में मौजूद है जैसे ही ऑक्सीजन ट्रेकिया के अंदर डिफ्यूज़ होगी यहाँ से दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड और फिर इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा जब वो वैक्यूम क्रिएट होगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी इस प्रोसेस को हम साइंटिफिकली कह देते हैं पैसिव सेक्शन जो इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन्स जो हैं अगेन दे आर कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड विच एस्केप थ्रू द ट्रेकियल सिस्टम कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जिनके एब्डोमिनल मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे कंट्रैक्ट करते हुए ये एयर को ट्रेकियल सिस्टम के अंदर इन और आउट होने में हेल्प करेंगे दिस इज़ द डायग्राम शोइंग द ट्रेकियल सिस्टम इन इंसेक्ट दीज आर द स्पाइरकल्स ओपनिंग्स विच ओपन एंड क्लोज एंड देन एयर एंटर्स दीज आर द एपिथीलियल सेल्स दिस इज द ट्रेकिया ट्रेकिया फर्दर वेन दे एंटर इंटू स्मॉलर ब्रांचेस दे एंड इंटू स्मॉलर सेल्स विच आर नोन एज ट्रेकियोल सेल्स Tracheoles ki further branching into smaller cells when they enter into smaller cells. So this is the tracheal system, its structure and function in case of arachnids.